मतलब टाइम मैनेजमेंट पे, जो आप अगर आपको जो टाइम मिला है उसका अगर आप सही यूटिलाइजेशन नहीं करते हो, सही वक्त पर सही काम नहीं करते हो, तो आपको बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, या फिर आपको क्या करना पड़ सकता है कि जो आपके जीवन में अच्छी चीजें आने वाली है वो रह जाती है। तो ये स्टोरी आश्रम की है। एक तो एक आश्रम था जहाँ पर अलग अलग देशों से, अलग अलग जगहों से बच्चे पढ़ने के लिए आते थे, हॉस्टल की तरह। आगे बात सुनना, हॉस्टल होता है ना, जहाँ पर अलग अलग जगहों से बच्चे आते हैं और पढ़ते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पर बहुत सारे ऋषि थे, वो अपना काम करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। आश्रम में क्या होता है कि सब बच्चे ऐसे नहीं कि भाई वही खेती करते हैं, वही उगाते हैं, वही खाते हैं, ऐसा मामला होता है, ठीक है। आई बात सुनना, मतलब सब काम अपना खुद करते हैं, अपने कपड़े धोना, अपना जो भी डेली रूटीन का काम होता है वो सब खुद ही करते हैं, और पढ़ाई भी करते हैं साथ साथ में। आई बात सुनना, अब क्या होता है कि वहां पर एक बच्चा होता है, वो बहुत ही आलसी होता है, मतलब ही वॉज वेरी लेजी, ठीक है, बहुत ही लेजी होता है। और जैसे कि सुबह उठता है राइट फ्रॉम द अर्ली द मॉर्निंग, ही यूज्ड टू वेक अप वेरी लेट, मतलब बहुत जल्दी नहीं उठता है, और अपना टाइम नॉन प्रोडक्टिव जो भी वर्क होते हैं उनमें वो वेस्ट कर देता है। जो भी टाइम था मतलब बिल्कुल कुछ नहीं करना, सुबह उठते ही घंटे भर तो आराम से देखेगा इधर उधर सबके क्लास में क्या चल रहा है, और रूम में क्या चल रहा है, तो ऐसे वो अपना टाइम वेस्ट करता है। तो गुरु जी उनको सबक सिखाने के लिए या उसको शिक्षा देने के लिए जो आश्रम के थे वहां के, तो उन्होंने बोला कि उनको उसको बुलाया बच्चे को किधर आओ, और उन्होंने बोला कि मैं तुझे एक अनमोल चीज दे रहा हूँ, और इस चीज का नाम है पारस पत्थर। क्या नाम है? पारस पत्थर। अब पारस पत्थर होता क्या है कि वो जिस चीज को टच कर ले वो सोने की हो जाती है, ठीक है। तो वो उन्होंने बोला कि मैं दो दिन के लिए जाता हूँ कहीं काम, मेरे को ये तुम्हारे पास रखना। तो वो अपने मन में सोचता है कि दो दिन में मैं काफी सोना बना लूंगा उस पारस पत्थर से, और इतना सोना बना लूंगा कि भाई मेरे को जीवन में कमाना नहीं पड़े या कुछ करना नहीं पड़े, आराम से बैठे बैठे खाऊं, ठीक है। तो जैसे ही गुरु जी चले जाते हैं, और फिर वो देखता है कि यार आज तो 11-12 बज गए, दोपहर हो गई है, तो अभी लंच का टाइम हो गया, तो लंच कर लेते हैं, ठीक है। तो सोना तो बाद में बना लेंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो वो क्या करता है कि भाई ऐसे करके भरपूर खाना खाता है और फिर सो जाता है। तो सो जाता है तो अगले दिन उठता है, गहरी नींद में सोता है तो अगले दिन उठता है, और फिर उठता है देखता है यार एक दिन तो मेरा पूरा वेस्ट हो गया है, ठीक है। तो गुरुजी आ जाएंगे थोड़ी देर। फिर उसने देखा कि यार अब मैं थोड़ा सोना बना लेता हूँ। फिर उसने देखा कि यार कोई बच्चा है, सारे बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तो वो थोड़ी देर खेलने चला जाता है, लेकिन पहले खेल लेता हूँ फिर बना लेता हूँ, ठीक है। अभी वैसे उसने देखा बाद में कर लेंगे, प्रोक्रेस्टिनेशन किया, चीजों को टाल दिया, ठीक है। फिर क्या हुआ कि जैसे जैसे टाइम बीतता गया, और फिर उसने देखा कि यार मैं बाजार जाऊंगा खेल के आया, और उसने देखा बाजार जाऊंगा और बाजार जाके मैं बहुत सारी चीजें खरीद के जाऊंगा और उनको फिर सोना बना लूंगा। तो ऐसे ऐसे करते करते शाम हो गई। फिर उसने बोला कि यार अब शाम हो गई, गुरु जी के आने का वक्त भी हो गया। उसने अपने दोस्तों को बुलाया, तुम मेरे साथ चलो बाजार, अकेला मैं जाऊंगा तो जंगल पड़ता है बीच में तो डर लगता है मेरे को, तो दोस्तों ने मना कर दिया, और इसी दौरान गुरु जी आ गए, ठीक है। और गुरु जी ने वो पारस पत्थर उसे ले लिया। तो अब यहाँ पर मैं नॉर्मल सी बात बताता हूँ कि आपके लिए अभी अभी जो अभी का जो टाइम है, अभी का जो वक्त है, अभी का जो दौर है, वो आपके लिए पारस पत्थर है। आई बात सुनने, तो ये स्कूल आपके लिए एक्चुअल में पारस पत्थर है, और ये आपको दे दिया है, मतलब आप इसमें पढ़ रहे हो, तो आप चाहो जितना जिस चीज को चाहोगे उसको सोना बना लोगे, और जो भी टीचर्स हैं आपको अपना पारस पत्थर आपको देखे बैठे हैं, मतलब नॉलेज, ये नॉलेज अगर ये अभी दे रहे हैं आपको, दे दिया है और दे रहे भी हैं रेगुलरली, और अगर इसको आप सही तरीके से यूटिलाइज नहीं करोगे, मतलब अपना टाइम अभी दूसरी चीजों में वेस्ट कर लोगे, तो आने वाले टाइम में जो ये पारस पत्थर है वो गायब हो जाएगा, उसका यूज ही नहीं करोगे, उससे सोना नहीं बनाओगे, तो फिर कैसे करोगे। मतलब नॉलेज आपको यहाँ पे लेना है। आई बात सुनना, जो ऐसी चीजें होती है मतलब कुछ समय के लिए मिलती है आपको, ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं टीचर्स के लिए भी, ये अच्छा प्लेटफॉर्म है, वो आप अपनी स्किल सुधार सकते हैं पढ़ाने के लिए, स्पीकिंग की, ठीक है। क्योंकि हर किसी को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, हर किसी को पारस पत्थर नहीं मिलता है।